उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं। फैसला रिजर्व होते हुए भी 137 दिन बीत गए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। ये न्याय का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में दखल देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अगली सुनवाई की तारीख दी है। दरअसल एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 4 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद से अभी तक इस मामले में फैसला नहीं सुनाया गया है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट में आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हुई। करीब 2.5 घंटे चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब तक आजम खान को सभी मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। ऐसे में इस आखिरी मामले में अगर आजम खान को जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं। जिस मामले में आजम खान को अभी तक बेल नहीं मिल रही है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है। इस मामले में आखिरी बार 4 दिसंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब भी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। पिछले 2 साल से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 11 मई को दोबारा सुनवाई है। अब देखना ये है कि 11 मई के बाद आजम खान कब तक जेल से बाहर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अन्य खबरों एवं जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें यूपी टाइम्स न्यूज़ और लगातार खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें www.uptimesnews.in पर।